यदि आप शुरुआत के कुछ पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 7 साल से इजरायली मिद्यानियों के गुलाम हो चुके हैं। मिद्यानियों को अपने वश में कर रखा है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से मिस्र ने इजरायलियों का जीना दुश्वार कर दिया था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से मिद्यानियों ने इजरायलियों के नाक में दम कर रखा है। मिद्यानी उनकी सारी फसल को उजाड़ देते हैं। मिद्यानी टिड्डियों की संख्या में, बहुतों के संख्या में वो आते हैं और इसराइलियों पर, उनके पूरे बस्ती पर हमला बोल देते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊंट भी अनगिनत होते हैं। बाइबल भी बताती है कि ऐसे में प्रभु के लिए डरा हुआ सा माहौल महसूस कर रहे थे, भयभीत भरा माहौल महसूस कर रहे थे। कोई खुले में सांस नहीं ले पा रहा, गुलामी का ये माहौल बना हुआ था। कोई खुलकर जी नहीं सकता है, कोई खुलकर घूम नहीं सकता है। और ऐसे में जब प्रभु के लोग डरे हुए हैं, भयभीत अवस्था में हैं, बाइबल जो बताती है कि परमेश्वर का दूत आया है और उसने गिदोन नामक सेवक के साथ बातचीत की है। और मैं आपका ध्यान न्यायियों उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं। और आपको मालूम, परमेश्वर के दूत ने आकर गिदोन से क्या कहा, यह वही वचन है जो आज इस 2018 के लिए मैं आपको देना चाहता हूं। और परमेश्वर के दूत ने आकर कहा कि गिदोन तो शूरवीर सुरमा है, ओ मैं तेरे साथ हूँ, शूरवीर सुरमा मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, गिदोन किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से शूरवीर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लिखा है कि वो द्राक्ष कुंड के, जहां पर दाखरस का कुंड है, वहां पर वो गेहूं को झाड़ रहा है। आप उसकी अवस्था समझ सकते हैं, कितना भयभीत है। लेकिन एक डरे हुए मनुष्य को परमेश्वर का दूत आकर कहता है कि तू शूरवीर सुरमा है। ओ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी एंगल से, आपके हालात की वजह से, आपकी परिस्थितियों की वजह से, किसी भी एंगल से आप शूरवीर नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हाँ मेरे भाई मेरी बहन, 2018 के लिए प्रभु आपको यही उत्तेजन देना चाहता है कि आप एक शूरवीर सुरमा हो। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर ने गिदोन को कहा हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। अभी हमने अपने बड़ा दिन मनाया है, क्या नाम बताया था दूत ने? दूत ने कहा उसका नाम इम्मानुएल रखना, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर हमारे साथ है, इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। इसका मतलब आप एक नहीं, आप अनेक हैं। इसका मतलब आप निर्बल नहीं, लेकिन आप बल से भरे हुए हैं। इसका मतलब मूर्ख नहीं, आप बुद्धिमान हैं। इसका मतलब आप ताकतवर हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरी पाखरू, मेरा मददगार, मेरा आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर जब आपके साथ है, उस वक्त आप निर्बल नहीं रहते हो। 2018 में शायद बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको शुरुआत में करना पड़ा होगा, बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में होगी, आपके हालात आपको बिल्कुल भी आपके अनुकूल नजर नहीं आते होंगे, लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको शूरवीर सुरमा कहकर संबोधित कर रहा है। रोज जब सुबह आप आईने के सामने अपने आप को देखेंगे, उस वक्त शायद आपको लगेगा कि आज का दिन ये बड़ा बकवास दिन होगा, आज का दिन वो शायद भयानक दिन होगा, आज का दिन पता नहीं कौन सी समस्या मेरे सामने आएगी, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर
अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि आप एक शुरमे सुरमा हो। ये मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर के वचन की वाणी है। प्रभु आपको शुरमे सुरमा कहना चाहता है। इस साल की शुरुआत मैं आप बता दूं कि आप शूरवीर हो, प्रभु के एक महान योद्धा हो, और आपको पूरे साल डरने की जरूरत नहीं। चाहे आप सेवकाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे या आप व्यापार कर रहे होंगे, लेकिन यकीन रखिए आप एक शूरवीर सुरमा हो। प्रभु आपको आशीष दे।